राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव किडनी के उपचार के लिए मंगलवार की रात सिंगापुर पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। इसके अलावा उनके साथ सिंगापुर जाने वालों के विधान पार्षद सुनील सिंह, लालू प्रसाद के खास माने जाने वाले सुभाष यादव और दो सेवक भी शामिल हैं। सिंगापुर पहुंचने पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें रिसीव करने पहुंची थी। उन्होंने पैर छूकर अपने माता पिता की आशीर्वाद लिया। बता दें कि रोहिणी सिंगापुर एयरपोर्ट पर अपने पिता की प्रतीक्षा कर रही थी। लालू यादव व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले, जहां उनकी बेटी ने पैर छूकर पिता का आशीर्वाद लिया। रोहिणी ने खुद इसका वीडियो भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि जिसका हौसला आसमान से ऊंचा है, मेरे पापा की जैसा दुनिया में ना कोई दूजा है। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद को किडनी की समस्या है। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर की सलाह के अनुसार वे नियमित रूप से दवा ले रहे हैं, किंतु सिंगापुर में किडनी की बीमारियों के उपचार का दुनिया में सबसे बेहतर इंतजाम है, लिहाजा हमने उन्हें वहां ले जाने का फैसला किया। वहां डॉक्टर से उन्हें दिखाया जाएगा। फिलहाल डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट की हिदायत नहीं दी है, किंतु सिंगापुर में डॉक्टर जो सलाह देंगे वैसा किया जाएगा। हम लोग आते लगेज लेके, लगेज